जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइज। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी फाइनली जो कि इतने दिनों से हमें इंतज़ार था, वो दिन फाइनली आ चुका है। और ये है जी हमारी पूरी की पूरी कलेक्शन जो कि हमने शादी पे पहन के जानी है। बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए जी हमने जितनी भी लॉन के कपड़े हैं वही निकाले हैं, क्योंकि गर्मियों में भाई फैंसी नहीं पहने जाते, सीधी सी बात है। क्योंकि गर्मी ने तो वैसे ही मत मारी है, तो इन्हों तो मैं हाले हाथी लाया से ते पहले ही थले आप ही चादर। तो जी यहाँ पर जितने भी हमारे घर के दूसरे हैं मर्द हजरात या बच्चे हवातीन, यहाँ पर उन सबके भी कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। और यहाँ पर जी हम तकरीबन ऑलरेडी रेडी हो चुके थे, सारी बच्चियाँ भी रेडी थी। इन्हों दे पुप्पी ने माशाल्लाह माशाल्लाह सारियाँ पिन्ना का टोकरा इन्हों के सिरों पर ही रख छड़े। बच्चे भी रेडी हो के बैठ चुके थे, सिर्फ और सिर्फ मेरी धी फजर मैडम जो है वो रह गई हुई थी और वो खेल रही थी। मैं कहती है तेनू बाद उपालां दी हाले तू खेल लै। और यहाँ पर जी ज़ारा भी कपड़े शपड़े पहन कर रेडी हो चुकी थी, तकरीबन थोड़ी सी नींद भी इसने ले ली थी। तो बच्चा नींद ले ले वो अच्छी बात है, ताकि वो वहाँ पे फ्रेश रहेगा। तो जी यहाँ पर चाचू भी इनके बच्चों के रेडी हो चुके थे और बच्चे सारे के सारे रेडी थे। और हम जी अपने सफ़र पर रवा दवा थे, और फजर ने भी कपड़े पहन लिए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे सारे के सारे प्यारे लग रहे थे। तो जी हम अपने सफ़र पर रवा दवा हैं। और यकीन जाने इस गर्मी में ना, मैं कहती हूँ कोई बंदा ही ना व्याह करे, इतनी जलालत उठानी पड़ती है गर्मी में ना। जो भी बहन भाई भाई कोई शादी आगे नेक्स्ट आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं ना, तो यकीन जाने बहुत जलालत है। अभी तक तो कोई भी ना करे प्लान, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए तो वो ही बेहतर होता है, ना कि इतनी गर्मी में। तो खैर हम जी देखते देखते हम अपनी चले मकसूद पर पहुंच चुके थे। और जाते ही माशाल्लाह जी उन्होंने ड्रिंक्स दी, पानी दिया, साथ में नमक पा रहे हैं, मिठाई दी। तो साढ़े बाल तो इन सन जिम्मे हो रहे, सदियों के भुखे ने बच्चे हैं कि जी उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है। तो बच्चों ने जो माशाल्लाह सफाया किया अच्छा खासा। तो खैर काफ़ी देर बैठने के बाद जो है बच्चों के साथ सबको मिले गिले सब सारे, जैसे ही कज़न बहन भाई हाला मामों पुप्पी ताया ताई सारे इकट्ठे होते हैं, तो जाहिर है फिर रौनक तो लगती है। टाइम का पता ही नहीं चलता कि थोड़े से टाइम में इतना टाइम गुजर जाता है। तो यहाँ पर जी खाना खुल चुका था, तो इसीलिए हम जी छत पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और खाना बहुत मज़े का था, मीठे चावल थे, मुर्गी का सालन था और साथ में जी नान थे, और बहुत मज़ा आया खाने का। और जो हमारी ब्राइड थी वो तो इस वक्त जो है फिलहाल रेडी होने के लिए पार्लर पे गई हुई थी, तो बाद में खाना वगैरह सबने खाया। थोड़ी देर बाद हमने जो है ढोलक बजाई, सबने बैठ के मिलजुल के जो पंजाबी में कहते हैं टप्पे शप्पे गाए। तो फिर जी हमने फाइनली ब्राइड को मेहंदी वगैरह लगाई, और फिर जाहिर है वापस भी आना था। बच्चे तो थे बहुत तंग कर रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जी यहाँ पर हमारा खाना लग चुका है, हमने खाना खाया और मज़े किए। और यकीन जाने आज आपकी बहन की तबीयत भी जी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा लाउड नहीं बोल रही और ना ही इतना बोलने, पता नहीं क्या अजीब सी ही सुस्ती छाई है, पता नहीं मौसम अभी इस तरह का है। खैर जी मेडिसिन खा लेंगे, और मेडिसिन खाने के बाद जी हर बंदा ही फ्रेश हो जाता है, तो हमारी भी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सब भी दुआ कीजिएगा। बाकी अभी तो फिलहाल मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आई हुई है, मैं तो वॉइस ओवर करने के बाद व्लॉग को अपलोड करने के बाद जी जाके सोने लगी हूँ। और यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमने रौनक लगाई हुई थी, तो ढोलक तो नहीं है, मैंने कहा हूँ उसमें छोटे 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 वो होते हैं पेज वगैरह, कहीं बच्ची को लग ना जाए तो सानू एक अदद परात दे दो, असी भी मरासे वाला चाह अपना पूरा कर लिए। और मैं और ज़ारा यहाँ पर खूब हमने परात को कूट कूट के रखा, और बच्चे हैं वो एंजॉय कर रही थी। और यहाँ देखते देखते ज़ारा की एक चूड़ी टूट गई, और हमें यह था कि इसके हाथ में न लग जाए, हमने फ़ौरन से दूसरी जो थी वो भी तोड़ दी, ताकि ये अपने आप को कहीं चोट न लगवा ले। तो खैर यहाँ पर बच्चे हैं, ज़ारा की तो माशाल्लाह पाकिस्तान में पहली शादी है और पहली ईद होगी, यानी कि अभी तक उसका पहला फंक्शन होगा ये वाला जो कि वो अटेंड करी है। और माशाल्लाह सारे तरफ बच्चे बड़े सबको देख के काफ़ी खुश थी, और लाइटें और फूल ये सब कुछ देख के काफ़ी इंजॉय किया है। आते हुए तो गर्मी की वजह से परेशान तो हुई है, और हमने एक दफ़ा उसके ऊपर शावर वगैरह से ठंडा पानी करके तो उसको एक दफ़ा तो सुला दिया। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद जी फिर से वो जो है खेलना स्टार्ट हो गई, और बच्चों के साथ जी बच्चा बनना पड़ता है। तो मैं भी सारा के साथ जी थोड़ी सी मौज मस्ती करने के बाद जो है वो हमने सब ने बैठ के यहाँ पर ब्राइड्स के साथ पिक्स बनाई,
बातें शातें की, जाहिर है जो मेहंदी पे होता है वो किया। और तकरीबन काफ़ी लेट हो चुके थे हम, 12 बज गए हुए थे और बच्चे काफ़ी हद तक, बच्चों को नींद आ चुकी थी और सारे के सारे तकरीबन रो ही रहे थे। कोई गर्मी की वजह से परेशान था और कोई नींद की वजह से परेशान था। तो खैर बच्चों को तो हमने पहले भिजवा दिया ताकि घर आराम से जाकर तो सो जाएं। और हमने फिर जी थोड़ी देर बाद जो है ब्राइड को मेहंदी वगैरह लगाई, जो रस्में होती हैं वो की, और फिर हम घर आए। तो खैर यहाँ पर जी अभी भी परात हम छोड़ ही नहीं रहे, पता नहीं केड़ा लगाव हो गया सी सानू परात नाल। तो यहाँ पर ये सारा का सारा सेटअप था। गांव में यही छोटे छोटे जो होते हैं सेटअप होते हैं, जो कि खास तौर पे गांव के लोग जो हैं वो घरों में ही अरेंज करते हैं। नहीं तो साढ़े जो सीधे साधे बंदे चुप करके सोफा रखो तो उत्तर कुड़ी मुंडा बाओ या कुड़ी नू बाओ या मुंडे नू बाओ, तो मेहंदी लाओ तो अल्लाह तो हैर सला। तो खैर जी अब वो काम नहीं है, अब तो प्रॉपर एक स्टेज बनता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, बना के तो प्रॉपर एक छोटा सा फंक्शन कर लिया जाता है। और हूँ तो पुराने जमाने गए जिदे चो बस सीधा सीधा जी तेल लाओ, कुड़ी नू केक खुआओ, मीठा खुआओ या जो भी हुंदा है, वो काम हुण है ही कोई नहीं। तो खैर यहाँ पर जी हम घर आ चुके थे पिक्स वगैरह बनाने के बाद, खाना शाना खाने के बाद और रस्म पूरी करने के बाद। और आके जी हमने खाए आम, और आम खाने के बाद जी लस्सी पी और पूरी भरपूर नींद हमने ली। बाकी जी अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।